गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट चलिए शुरू करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के एम सी क्यूज केस स्टडीज बेस्ड एम सी क्यूज होंगे ठीक है सबसे पहले आप लोगों को आना होगा रजत मोहगा डॉट कॉम पर ऑनलाइन एम सी क्यूज हैं तो इफ़ विल कम टू द वेबसाइट रजत मोहगा डॉट कॉम ठीक है यू विल सी वेरियस स्टेप्स प्लीज क्लिक ऑन इनकम टैक्स एम सी क्यूज तो आप इनकम टैक्स एम सी क्यूज़ पर आएंगे यू विल फाइंड वेरियस चैप्टर्स हम लोग आज कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस

सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी होगा क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इन लोगों में से अमंग इंडिविजुअल रिचर्ड अमंगल इन तीनों में से हु वुड बी द नॉन रेसिडेंट तो नाम देखने से तो लग रहा है रिचर्ड नॉन रेसिडेंट हो सकता है या डेरल नॉन रेसिडेंट हो सकता है बट प्लीज आपको नाम के ऊपर नहीं जाना है यू हैव टू फाइंड एक्चुअल रेसिडेंशियल स्टेटस इनका क्या था ठीक है तो वी हैव टू फाइंड हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट से कौन है सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं और फिर गलत आंसर दे देते हैं उनको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट फिर भी आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा जिससे कि आप स्पेसिफिक और करेक्ट आंसर दे पाएं ओके सो आई एम रीडिंग इट सबसे पहले रिचर्ड के बारे में बातें करते हैं रिचर्ड एन इटैलियन डिजाइनर केम ऑन विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन हैंडलूम ऑन थ्री नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी ओके तो ये थर्ड

तो सितंबर में टोटल हमारे थर्टी डेज होते हैं और यह थर्ड को आए यानी कि फर्स्ट और सेकंड को काउंट नहीं करेंगे थर्ड से काउंट करना शुरू कर देंगे आई बिलीव आपको पता होगा कि जिस दिन अराइवल डेट होती है और डिपार्चर डेट होती है दोनों ही हम काउंट करते हैं तो सेप्टेंबर के हमारे पास आ जाते हैं ट्वेंटी डेज और क्योंकि ये दिसंबर तक थे तो अक्टूबर नवंबर में तो पूरा ही टाइम इन्होंने इंडिया में बिताया तो अक्टूबर के 31, नवंबर में थर्टी और दिसंबर को क्रिसमस से पहले ये चले गए तो दिसंबर के पूरे 15 डेज हम लोग काउंट करेंगे 15 भी काउंट होता है आई एम रिपीटिंग माइसेल डेट थर्ड सितंबर और डिपार्चर डेट दोनों ही काउंट होंगी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डेज आ जाते हैं सितंबर 28, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 15 दैट इज़ 104 डेज़ तो ये इंडिया में 104 डेज़ थे अब जरा बेसिक कंडीशंस फटाफट फड़ रिवाइज कर लीजिए बेसिक कंडीशंस क्या बोलती हैं दो बेसिक कंडीशन है कोई भी एक सेटिसफाइड हो जाए तो ये रेसिडेंट बन जाएंगे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है कि इंडिया में अगर आप वन डेज़ इंडिया में हो प्रीवियस ईयर में तो आप रेसिडेंट हो जाते हो बट यहाँ पर तो वन डेज आ नहीं रहा है वन आ रहा है कोई बात नहीं हम सेकंड कंडीशन पर चलते हैं सेकंड कंडीशन कि अगर आप इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल डेज और मोर इंडिया में है प्लस लास्ट फोर इयर्स में थ्री सिक्सटी फाइव डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है तो वो रेसिडेंट बन जाता है तो इस केस में क्या ये सिक्सटी डेज प्रीवियस ईयर में जाद, से ज्यादा थे द आंसर इज ही इज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2021 ट्वेंटी ट्वेंटी डेज से ज्यादा थे और लास्ट फोर में के बारे में हमें बताया गया है कि 100 डेज ईच ईयर था तो इन फोर हंड्रेड डेज तो आ रहा कि हमारी हो जाती है तो this means कि रिचर्ड इज रेसिडेंट रिचर्ड तो रेसिडेंट है तो हमारे आंसर में रिचर्ड तो नहीं आएगा बिकॉज हमसे पूछा गया है कि नॉन रेसिडेंट कौन है तो विल से रिचर्ड तो सर रेसिडेंट है चलिए अनुज के बारे में बातें करते हैं अनुज

इंडिपेंडेंस uh, से पहले या दैट इज अनडिवाइडेड इंडिया आई बिलीव आपको ये कंसेप्ट पता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो हमें पता चल जाता है कि अनुज इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ये इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं ठीक है और मुंबई में इनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं चलिए तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं दैट इफ अ पर्सन इज अ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ही कम्स टू विजिट इंडिया सिर्फ इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं ठीक है इंडिया में कोई ये काम वगैरह नहीं करते हैं मेनली सिर्फ विजिट करने के लिए आते हैं तो इनके लिए हम 60 डेज़ की कंडीशंस नहीं देखते हैं इनके लिए हम 182 डेज की ही कंडीशंस देखते हैं वन डेज और मोर पता है ये बात है सबको तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या इंडिया में ये वन डेज है द आंसर इज़ नो इंडिया में ये सिर्फ थ्री मंथस के लिए आए हैं दैट इज़ नाइन्टी डेज ठीक है 90 हर साल नाइन्टी डेज़ के लिए आते हैं तो हम इनके लिए सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशंस देख पाएंगे 60 डेज़ के लिए इनके लिए अपलिकेबल नहीं है तो वी कैन से ही इज अ नॉन रेसिडेंट बट 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 आपको याद होगा लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट भी आई थी रेसिडेंशियल और वो काफी इनकम लाख ट्वेंटी थाउजेंड अगर आपको अमेंडमेंट याद है वहां पर लिखा था कि अगर इज एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और उनकी इंडिया के सोर्स जो इनकम है वो फिफ्टीन लाख से ज्यादा है तो हम उनके लिए एक अलग कंडीशंस देखते हैं 120 120 डेज 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 की अगर आप इंडिया में 120 हैं, में हैं हैं प्लस लास्ट इयर्स 365 तो हम आपको रेजिडेंशियल स्टेटस दे देंगे रेजिडेंट का बट इस केस में क्योंकि डेज की भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ही इज इन इंडिया जस्ट फॉर थ्री मंथ्स तो वन ट्वेंटी डेज की कंडीशन भी सैटिस्फाइड नहीं हो पाई है सो ही बिकम्स अ नॉन रेजिडेंट ठीक है

फिक्स इंप्लॉयमेंट अच्छा ये इंडिया रहते थे, इंडिया तो लगभग पिछले चार साल से यह इंडिया रह रहे थे अब यह वापस अपनी पढ़ाई और रिसर्च पूरा करने के बाद को कोरिया लौट रहे हैं पता नहीं साउथ कोरिया होगा नॉर्थ कोरिया होगा बटेवर इट इज चलिए जल्दी से देखते हैं इनका रेसिडेंस स्टेटस क्या होगा ठीक है आप लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें सारा काम आप मुझसे ना कराएं प्लीज यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करें और खुद भी कैलकुलेट करें तो बहुत अच्छा रहेगा तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ही इज इन इंडिया फ्रॉम फर्स्ट जनवरी टू टिल वन सेवन तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए निकाल लेते हैं कि कितने दिन ये इंडिया में थे प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन शुरू होगा अप्रैल ट्वेंटी से तो अप्रैल मे जून में तो ये इंडिया में थे और फर्स्ट जुलाई को ये चले गए बट आपको पता है डिपार्चर डेट भी काउंट होती है यानी कि फर्स्ट जुलाई तक काउंट होगा तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए अप्रैल के थर्टी डेज मे थर्टी वन जून थर्टी डेज जुलाई का वन डे भी इंक्लूड करा कर, जाएगा तो टोटल हो जाता है नाइन्टी टू डेज तो ये नाइन्टी टू डेज इंडिया में थे प्रीवियस ईयर में अब इसके पिछले चार साल में इनका 365 डेज आना चाहिए बट ये तो पिछले चार साल से ही फर्स्ट जनवरी 2016 से लेकर इंडिया में रह ही रहे हैं तो ऑब्वियसली 365 डेज से तो ज़्यादा इंडिया में ये पिछले चार साल में रहे हैं तो ये हमारी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं सिक्सटी डेज ये इंडिया में थे से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में हमारे प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर ट्वेंटी में और उससे पहले भी 365 डेज से ज्यादा थे तो ये भी रेसिडेंट ही बोले जाएंगे ठीक है यहां पर ये नहीं पूछा कि ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा हमें सिर्फ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही बताना था तो इस केस में रिचर्ड रेसिडेंट हैं डैरल भी रेसिडेंट हैं बट अनुज इज अ नॉन रेसिडेंट तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है अनुज तो आप अनुज सेलेक्ट कर लीजिएगा ठीक है आप सबने मेरे साथ इस वेबसाइट पर है ना आप लोग तो यहाँ पर अनुज सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं तो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू टोटल फिफ्टीन क्वेश्चन है इस टेस्ट में तो क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी आप बीच में वीडियो को पॉज कर सकते हैं ठीक है द क्वेश्चन क्वेश्चन रमेश लेफ्ट फॉर ऑन ही ही नॉट नॉट हैज विजिटेड इंडिया देयर आफ्टर एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे रमेश बोरो मनी फ्रॉम इस फ्रेंड अर्जुन ठीक है रमेश डिपार्चर ठीक है अर्जुन भी यूएस में ही है टू द एक्सटेंट ऑफ रूपीज टेन लैक एंड बाइस शेयर कंपनी रमेश ने क्या किया अर्जुन से पैसा उधार लिया है और यह पैसा किसी कंपनी के इंडियन कंपनी के शेयर्स में लगाया है बताना है हमें डिस्कस द टेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट इन अर्जुन हैंड देखिए okay. रमेश ने पैसा बोरो किया है टेन लाख रुपीज रेट 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 परसेंट, यानी कि वन लाख रुपीज का इंटरेस्ट क्या अर्जुन के हाथों में टेक्सीबल होगा या नहीं होगा यहाँ पर एक कंसेप्ट है सेक्शन नाइन का अगर आपको पता है तो ठीक है इनकम विच इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि कब ये इंटरेस्ट की इनकम आपके लिए शायद पड़ा होगा इंटरेस्ट फ़ीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी की इनकम कब इंडिया में टैक्सेबल होती है तो वहाँ पर अलग अलग केसेस हैं कि बोरोवर अगर इंटरेस्ट की अगर मैं बातें करता हूँ तो बोरोवर अगर एक रेजिडेंट है तो कब इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है नॉन रेजिडेंट है तो कब किस तरीके से टैक्सेबल करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि रमेश और अर्जुन का रेसिडेंस रेजिडेंशल स्टेटस कैसा है तो रमेश लेफ्ट इंडिया ऑन वन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है वन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी को ये इंडिया से चले गए हैं इसका मतलब ये अप्रैल में इंडिया में थे मे के सिर्फ फर्स्ट डे ही काउंट होगा तो टोटल ही वॉज हेयर इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फॉर ओनली थर्टी वन डेज सिर्फ थर्टी वन डेज के लिए है डेज की कंडीशन सेटिसफाई नहीं कर पाएंगे तो रमेश इज अ नॉन रेसिडेंट सिमिलरली अर्जुन तो एक हफ्ते पहले ही इंडिया छोड़ के जा चुके थे तो अगर मैं थर्टी वन माइनस सेवन करता हूँ तो ही वॉज देयर जस्ट फॉर ट्वेंटी फोर डेज इन इंडिया तो अर्जुन इज ऑल्सो नॉन रेसिडेंट तो यहां पर अर्जुन और रमेश दोनों ही नॉन रेसिडेंट हैं अब अर्जुन से पैसे बोरो करे हैं रमेश ने एंड रमेश इज़ अ नॉन रेसिडेंट क्या इन्होंने ये पैसे क्या रमेश ने ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें इंडिया में द आंसर इज नो ठीक है अगर ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते तो ये इंटरेस्ट इनकम अर्जुन के हाथों में टैक्सेबल होती बट हेयर रमेश अ नॉन रेसिडेंट

तो इनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी तो आई विल से नॉन टैक्सेबल तो नॉन टैक्सेबल टिक कर दे सो इफ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन इट सेज अल्फा लिमिटेड एज एन इंडियन कंपनी इट कैरीज इट्स बिजनेस इन दिल्ली एंड लंडन टोटल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दज सिचुएटेड इन लंडन मोर देन 85% ऑफ द बिजनेस इज इनकम इज आल्सो कमिंग फ्रॉम लंडन इंग्लैंड इफ सो इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी प्लीज बताइए स्टेटस क्या होगा इस कंपनी का हम लोग जानते हैं कि अल्फा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एल्फा लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है एंड इंडियन कंपनी इज ऑलवेज आ रेजिडेंशियल स्टेटस उनका रेजिडेंट ही माना जाता है तो इस केस में रेजिडेंट ही होगा चाहे इनका एंटायर कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंग्लैंड में भी है दैट विल नॉट बी रेलिवेंट टू रेसिडेंशल स्टेटस रेसिडेंट ठीक हैलियन कंपनी रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया इन दर टू थाउजेंड सेवेंटीन ब्रॉड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटीबल इन द केस ऑफ प्लीज मुझे बताइए क्या डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है अब द आंसर इज यस हाँ डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है ठीक है फॉरेन डिविडेंड तो वैसे भी टैक्सेबल था पहले से ही अब तो इंडियन डिविडेंड भी टैक्सेबल होता है बट इस केस में बिकॉज ये पास्ट अनटेक्सड इनकम है ये पुरानी इनकम है ये इनकम क्या ट्वेंटी की इनकम है द आंसर इज नो ये इनकम तो ट्वेंटी 17 की इनकम है तो ये 2017 में होनी चाहिए थी अब डिपेंड करता था एस एस सी का हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है हमसे पूछा गया है क्या ये ट्वेंटी होगी द आंसर इज नो तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलता है तो पास्ट अनटेक्सड इनकम जो पुरानी अनटेक्सड इनकम थी क्या वो इस साल टेक्सीबल होती है द आंसर इज नो बिकॉज वो इस साल को बिलोंग नहीं करती है तो द केस इज आंसर वुड भी क्या ये किसी के भी हाथों में टेक्सेबल होगी अगर वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है फॉलोइंग पर्टिकुलर मोहित पर्टेनिंग टू दर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वन और ये कुछ हमें तीन पॉइंट दिए गए हैं और नीचे इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है इफ मोहित इज अ नॉन रेसिडेंट वट इज हिज टोटल इनकम प्लीज याद रखियेगा यहां पर मोहित एक नॉन रेसिडेंट है तो इनकी टोटल इनकम क्या होने वाली है तो हमें पता है कि एक नॉन रेसिडेंट की सिर्फ इनकम अगर इंडिया में राइज होती है तो टेक्सीबल होगी या इंडिया में रिसीव होती है तो टेक्सीबल होगी इनकी ग्लोबल इनकम टेक्सीबल नहीं करते हैं इज अ नॉन रेसिडेंट तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया है कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया देखिए इंटरेस्ट कहाँ से आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड से तो इट इज अराइजिंग इन इंडिया फिफ्टीन थाउजेंड वु थाउजेंड को टेक्सीबल खींचेगा सेकेंड है रॉयल्टी रिसीव्ड इन यू एस फ्रॉम नॉन रेसिडेंट हु यूज द राइट फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया रुपीज टेन थाउजेंड ये इनकम इंडिया में अराइज नहीं हो रही है इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही है टेन थाउजेंड इज नॉट टेक्सीबल एग्रीकल्चर इनकम फ्राम लैंड्स इन जपान रिसीव इन इंडिया थर्टी सेवन थाउजेंड तो क्या थर्टी सेवन थाउजेंड को टेक्सीबल कर दें देखिए एग्रीकल्चर इकम है यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं एग्रीकल्चर इनकम को देखते ही बोल देते हैं एग्जेम्ट है बट प्लीज़ ये बात याद रखिएगा इफ़ द एग्रीकल्चर इनकम इज कमिंग फ्राम इंडियन लैंड्स वो इंडिया से आ रही है तो एग्जेमट होती है सेक्शन टेन में स्पेसिफिकली टेन वन में बट दिस एग्रीकल्चर इनकम इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया दैट इज़ हेयर इट इज़ जपैन तो ये टैक्सेबल होगी बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन इंडिया तो हमारे इस केस में फिफ्टीन थाउजेंड ऊपर वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है बिकॉज इट इज अराइजिंग इन इंडिया रॉयल्टी इनकम टैक्सेबल नहीं है वो अराइज भी नहीं हो रही इंडिया में रिसीव भी नहीं हो रही है बट थर्टी सेवन थाउजेंड ऑल द एग्रीकल्चर इनकम है बट इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड इट इज रिसीव्ड इन इंडिया रिसीव होने की वजह से ये टैक्सेबल हो जाती है थर्टी सेवन थाउजेंड तो टोटल फिफ्टीन प्लस थर्टी सेवन दैट इज 52000 रुपीस टैक्सेबल हो जाएगा मिस्टर मोहित के लिए तो 52000 हमारा लास्ट ऑप्शन में टिक कर रहा हूं 6 क्वेश्चन सेज मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और इनकी कुछ 6 टाइप्स ऑफ इनकम दी गई है नीचे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम देखिए हमें यहां पर GTI निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम for the assessment year 21-22 if he is a resident and ordinary resident यहाँ पर ये यह resident and ordinary resident है and we understand एक resident और or ordinary resident की तो global income taxable होती है जो India में arise होती है India में receive होती है और जो India में arise या receive नहीं भी होती है उसको भी हम taxable करते हैं तो check करते हैं कि हम कौन कौन सी income को यहाँ पर taxable कर पाएंगे first income is salary income थ्री months की income India।

बिजनेस इन बांग्लादेश ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिविडेंड ट्वेंटी थ्री वन फिफ्टी टोटल इज एटी टू थाउजेंड सिक्स फिफ्टी हमारे टेक्सीबल आने वाला है ग्रॉस टोटल इनकम एटी टू सिक्स फिफ्टी फर्स्ट ऑप्शन ठीक लग रहा है ओके सेवेंथ क्वेश्चन पर आ जाए इट से बिजनेस ऑफ एच यू एफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम सिंगापुर एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजन आर टेकन ओवर देयर हम लोग जानते हैं एच के लिए कि इन केस उसका परसेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया तो उस में वो हो जाती है आगे लिखा गया मिस्टर शुभम हु इज द करता ऑफ एच यू एफ वॉज बॉर्न इन डेली इंडियन सिटीजन हैीवियस इ्वेंटी ट्वेंटी ईयर पंद्रह साल के बाद इंडिया आए हैं यानी कि इससे पहले कभी वो इंडिया में नहीं थे पिछले पंद्रह साल में

काउंट कर लें अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने दिन होते हैं अप्रैल थर्टी डेज ठीक है अप्रैल पूरा फर्स्ट अप्रैल से काउंट करना शुरू कर देंगे थर्टी डेज मे थर्टी वन जून थर्टी जुलाई थर्टी वन अगस्त थर्टी वन सेप्टेम्बर थर्टी अक्टूबर थर्टी वन नवम्बर थर्टी और दिसंबर एक तारीख तक ये इंडिया में थे यानी कि फर्स्ट दिसंबर भी काउंट होगा तो टोटल तो अगर हम देखते हैं तो इट कम्स टू टू फोर्टी फाइव डेज तो टू फोर्टी फाइव डेज ये इंडिया में थे बेसिक कंडीशन 182 डेज और मोर की सेटिस्फाई कर देंगे तो ही विल बिकम अ रेसिडेंट आप चेक करते हैं ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी क्योंकि पिछले पंद्रह साल में ये इंडिया में थे ही नहीं तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगी तो इन दैट केस ही विल बिकम अ नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी तो इस केस में हमारे पास एच के लिए आया नॉन रेसिडेंट और शुभम के लिए आया नॉट ऑर्डिनरी तो चेक कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन ठीक लग रहा है मिस्टर शुभम नॉट ऑर्डर रेसिडेंट और एच यू एफ नॉन रेसिडेंट एग्री है ओकेजन बॉर्न इन यूएस ओके हिज फादर वॉज बॉर्न इन डेली इनटीन सिक्सटी एंड हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन लाहौर इन थर्टी फाइव देखेंगे ग्रैंड फादर वॉज इन लाहौर इन थर्टी ठीक है India में, इनके ग्रादर पैदा हुए थे he was born in 1935. तो को हम बोल सकते हैं he His was born in UK, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो क्योंकि जॉन तो इंडियन ओरिजिन के बन चुके हैं जॉन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी एंड स्टेड इन इंडिया फॉर वन एटी थ्री डेज एंड लेफ्ट फॉर यू हिज रेसिडेंशियल स्टेटस हमें बताना है असमेंट या ट्वेंटी टू के लिए तो इससे पहले जॉन कभी भी इंडिया नहीं आए थे ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और वो फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी को आए थे और वो वन एटी थ्री डेज इंडिया में रहे हैं तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं बेसिक कंडीशन द आंसर इज येस वन एटी टू डेज की कंडीशन ये सैटिस्फाई कर देते हैं तो ही विल बिकम अर रेजिडेंट बट इससे पहले ये कभी भी इंडिया में नहीं थे एडिशनल कंडीशन से यह नहीं कर पाएंगे तो ही विल बिकम अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी तो रेसिडेंट तो हैं बट नॉट ऑर्डिनरी हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ठीक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कमिंग टू नाइन्थ क्वेश्चन इट से फॉरन नेशनल बट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यहां पर साफ साफ दिया गया है कि पॉल इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फोर हंड्रेड डेज हिज इनकम फ्रॉम अदर देन फॉरन सोर्सेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी लाख यहां पर पॉल एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है इंडिया आए हैं वन एटी टू डेज की कंडीशन

डेज इंडिया में नहीं थे तो ही विल बिकम नॉन बट आपको हम 120 डेज की कंडीशन यहां पर देख सकते हैं बट यहां पर इनकी इनकम क्योंकि 15 ,00 से नहीं है तो वो अमेंडमेंट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी तो इनके लिए हम सिर्फ की कंडीशन ही देखेंगे 60 डेज की कंडीशन एक्सेप्शन में आते हैं इसलिए नहीं देखी जाएगी वन ट्वेंटी डेज वाली भी जो अमेंडमेंट आई थी वो भी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनकी इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज यानी कि अदर देन फॉरन सोर्सेज फिफ्टी लाख से ज्यादा की नहीं है तो इनके लिए सिर्फ डेज की कंडीशन होगी एंड बिकॉज वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट तो ये नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो आई एम सिलेक्टिंग नॉन रेसिडेंट इन इंडिया क्लियर है कमिंग टू टेंथ क्वेश्चन इट से An Indian citizen, but ये इंडिया के बाहर रहते हैं सिर्फ इंडिया विजिट करने आए हैं तो हम इनके लिए सिक्सटी डेज की कंडीशन नहीं देख पाएंगे ओनली वन एट्टी टू डेज की कंडीशन ही देखते हैं तो उस हिसाब से तो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं बट हमारे पास अमेंडमेंट भी है कि अगर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज 15 लाख ,00 से ज्यादा की होती है तो इनके इनके लिए 120 डेज की कंडीशन लग जाएगी बट क्योंकि आगे अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज इज जस्ट टेन लाख तो ये हमारी अमेंडमेंट में भी कवर्ड नहीं है तो हम इनके लिए सिर्फ वन डेज की कंडीशन देख पाएंगे और ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट देखिए कभी कभी क्वेश्चन में इतनी सारी डेटा दिया होता है और अगर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको पूरा डेटा भी यूज uh, करना हो क्योंकि कुछ चीजों से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है तो इस केस में तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट तो आई एम नॉन रेसिडेंट ओवर हेयर ओके नाउ द इलेवेंथ क्वेश्चन इट सेज

क्योंकि ये इंडियन कंपनी है रेजिडेंट हो जाएगी और इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी तो 30 लाख जो इनकम इंडिया से आ रही है वो भी टैक्सेबल होगी और 12 लाख पूरी कंप्लीट इनकम जो आउटसाइड इंडिया से भी हो रही है वेदर इट इज रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है तो यहां पर थर्टी प्लस ट्वेल्व फोर्टी टू लाख बी टैक्सीबल इनकम आई एम सिलेक्टिंग फोर्टी टू लाख ठीक है सबको समझ में आ रहा है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इट सेज Mr. David is uh, aged 40 years, is a government employee serving in the Ministry of External Affairs, left India for the first time on 31-3-2020 due to his transfer to High Commission to Canada. Now, Section 9 that if you Indian citizen working with वर्किंग विद इंडियन गवर्नमेंट और अगर आपकी पोस्टिंग आउटसाइड इंडिया हो जाती है तो आपकी सैलरी इनकम डीम टू अराइज इन इंडिया मानी जाती है याद आता है और आप इसके बारे में ये भी जानते होंगे इनके फॉरन अलाउंस और फॉरन परक्यूजिट्स एग्जेप्ट होते हैं सिर्फ इनकी सैलरी इनकम ही टैक्सीबल होती है ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये कभी इंडिया आए नहीं है ठीक है उससे पहले ही वो इंडिया से चले गए थे उनकी पोस्टिंग बाहर हो गई थी तो क्योंकि इंडिया आए ही नहीं है नंबर ऑफ डेज इस साल के जीरो हो जाएंगे तो ही विल बिकम अ नॉन रेसिडेंट बट क्या इनकी इनकम इंडिया से अगर कोई बाहर भी अराइज हो रही है या रिसीव हो रही है क्या टैक्सेबल हो सकती है तो आंसर इज सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी क्योंकि डीम टू तो अराइज इन इंडिया मानी जाती है फॉरन अलाउंसेज फॉरन परक्यूजिट्स टैक्सेबल तो होते हैं बट उनको एक्जम्ड कर दिया गया है सेक्शन टेन में और अगर बाकी कोई इनकम अगर इंडिया से इनका कनेक्टेड है अराइज या रिसीव हो रही है तो टेक्सेबल कर देंगे अदरवाइज अगर इनकी कोई बाहर की इनकम है तो वो टेक्सीबल नहीं करेंगे बिकॉज ही इज अ नॉन रेसिडेंट ठीक है तो यहां पर इनकी इनकम सैलरी इनकम मिल रही है कंप्यूटेड है यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद वगैरह फाइव लाख रुपीज टेक्सेबल हो जाएगा फॉरेन अलाउंसेज फोर लाख के हैं आपको पता है फॉरेन फॉरेन एंड ऐसे लोगों के लिए एग्जाम होते हैं इंटरेस्ट इंडियन uh, बैंक से है टैक्सेबल हो जाएगा वन लाख रुपीस और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान अब देखिए पाकिस्तान से सर आपने बोला था कि आउटसाइड इंडिया से हो तो टैक्सेबल हो कर देते हैं टैक्सेबल तो कर देते हैं बट वो इंडिया में रिसीव भी तो होना चाहिए और ये इंडिया में रिसीव नहीं हो रहा है एंड ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट तो इनकी एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो इंडिया में अराइज नहीं हो रही है इंडिया में रिसीव नहीं हो रही है एंड ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट ठीक है लास्ट वाला भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम पाकिस्तान से है वो भी टैक्सेबल नहीं होगी तो इस केस में सैलरी इनकम फाइव लाख टैक्सेबल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी डी वन लाख रुपीस टैक्सेबल हो जाएगा बाकी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी तो सिक्स लाख वुड बी हिज टैक्सेबल इनकम ठीक है इनकी ग्रॉस टोटल इनकम सिक्स लाख रुपीज यहां पर आ जाती है थर्टीन क्वेश्चन इट द फॉलोइंग इनकम ऑफ मिस सना Who is a non साफ साफ दिया yeah. गया है क्वेश्चन में सना इज अ नॉन रेसिडेंट शाल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम तो कौन कौन सी इनकम इनकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी सैलरी टू मंथी डेली में रिसीव हुई है सैलरी फोर्टी थाउजेंड इसको हम इंक्लूड करेंगे इंटरेस्ट ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट इन फ्रॉम मुंबई ये भी इंक्लूड होगा एग्रीकल्चर इनकम इन बांग्लादेश एंड इन्वेस्टेड इन शेयर इन बांग्लादेश इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम बांग्लादेश से आई है और वहां पर ही इन्होंने इन्वेस्ट कर दी है इंडिया का भी ये रिसीव ही नहीं हुआ था टेक्सेबल नहीं करेंगे फोर्थ अमाउंट इज अगेन पास एंड टैक्स प्रॉफिट इसको भी टेक्सिबल नहीं करेंगे तो ओनली फर्स्ट टू इनकम ही इंडिया में टेक्सेबल हो पा रही है ओके फोर्टीन क्वेश्चन इफ मिस्टर सुमितज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ट्वेंटी 100 डेज एंड ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन नाइन आउट ऑफ टेन इस ठीक है पिछले दस साल में से नौ साल में तो ये नॉन रेसिडेंट है आपको याद आता होगा एडिशनल कंडीशंस एडिशनल कंडीशंस बोलती हैं कि 730 डेज कम से कम आप इंडिया में हो पिछले सात साल में और पिछले दस साल में से कम से कम दो साल में वो रेसिडेंट होने चाहिए तभी आप एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएंगे तो ये एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये पिछले दस साल में से नौ साल तो नॉन रेसिडेंट ही थे तो अगर ये रेसिडेंट हो भी गए तो ये नॉट ऑर्डिनरी ही बनेंगे बिकॉज एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हैं ओके okay? तो प्रीवियस ईयर में ये हंड्रेड डेज थे उसके बाद लिखा हुआ है कि ये स्टेड इन इंडिया फॉर 365 सिक्सटी फाइव डेज इन ऑल द फोर इमीडिएटली प्रसिडिंग ईयर तो यहाँ पर ये 60 डेज की कंडीशन और लास्ट फोर ईयर्स में 365 सिक्सटी फाइव डेज की कंडीशन सेटिसफाई कर पा रहे हैं बेसिक कंडीशंस तो ये फुलफिल कर लेंगे तो उस केस में ये रेसिडेंट तो हो जाते हैं बट ये एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे ऑल दो ये सेवन थर्टी डेज इंडिया में थे पिछले सात साल में बट एडिशनल कंडीशन भी सैटिस्फाई करनी होगी पिछले दस साल में से कम से कम दो साल में रेसिडेंट होने चाहिए तो तो इस केस में ये रेसिडेंट तो बन जाएंगे बट नॉट ऑर्डिनरी क्लियर है तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी सेकेंड वाला ठीक लग रहा है ओके कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन इट से फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश बाय मिसिज ज्योति फॉर द ईयर एंडेड इतना ठीक है तो हमें कौन कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करनी है डिपेंड करता है इफ ज्योति इज अ अ नॉन नॉन तो ज्योति इज अडेंट देखते हैं कि कौन कौन सी इनकम इनकी इंडिया में टैक्सेबल कर पाएंगे जो इनकम इंडिया में अराइज हो रही है और रिसीव हो रही है सिर्फ उसको ही करेंगे जो इंडिया में अराइज और रिसीव नहीं हो रही है उसको हम टैक्सेबल नहीं कर सकते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी देखिए इंडियन कंपनी के शेयर्स इन्होंने बेचे हैं ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी फिफ्टीन थाउजेंड डिविडेंड फ्रॉम जैपनीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान ये इनकम कभी इंडिया आई ही नहीं है इसको टैक्सेबल मत कीजिएगा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड्स इन गुजरात तो गुजरात की इनकम है इंडिया में आ रही है टैक्सेबल कर देंगे नहीं एक्जेंट करेंगे सेक्शन टेन में एक्जेंट होती है एग्रीकल्चर इनकम तो हम सिर्फ इनकी फर्स्ट इनकम जो फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज की है जो इंडियन कंपनी के इन्होंने शेयर बेचे हैं उसको ही टैक्सेबल कर पाएंगे तो फिफ्टीन थाउजेंड वु टैक्सेबल वुड बी हर टैक्सेबल इनकम तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था अब यहाँ पर हम अपना स्कोर चेक कर सकते हैं तो ऑलमोस्ट मेरा तो 100 परसेंट आया है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा यहाँ पर आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन uh, भी मिल जाएगी कि हर क्वेश्चन में अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गलती की है तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती करी है यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो तो चलिए इसी के साथ फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर